ही गए गाइस, क्योंकि भाई इतने इतना हम लोग ट्रेन लेट हो गए, इतना इतना हमें वेट करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए। मेरे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी भाई। सो गाइस, तुम लोगों का अपना दुख बताऊं, तुम लोग भी सुन के रो पड़ोगे यार। हमारी ट्रेन थी वैष्णो देवी जाने वाली 10:30 बजे, लेकिन बज रहे हैं इस टाइम कितने, सिद्धार्थ दिखाना जरा 3। इसका मोबाइल इसी की तरह है, देख भाई। ए यार तुम क्या दिखाएगा, देखो टाइम हो रहा है 3:41, इतने मोबाइल में ज़्यादा ब्राइटनेस है कि दिख भी नहीं रहा टाइम। चलो को भाई, लेकिन तुम लोगों को बताओ 3:41 हो रहा है और ट्रेन अभी शायद आधे घंटे में, हाँ ट्रेन अभी आधे घंटे में आएगी क्या, शाम में पहुँचेंगे। और जो हमारे साथ जो बंदे कौन थे, हम लोग के साथ टोटल 14 लोग हैं, तो मैं 3 कंफर्म टिकट थी वो हो गई भाई तत्काल, बाकी सारे बंदे बस से निकल गए। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम लोग को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो लोग वहाँ पे पहले पहुँचने के बाद सब कुछ ढूंढ ढाँड लेंगे, रूम वगैरह देंगे। हम लोग को बस ट्रेन में सोना है और जाके मुँह नहाना है और फिर डायरेक्ट चढ़ाई कर लेना है। सही बात है, क्या रहा हूँ, नहीं बिल्कुल सही बात है, सही रहा। चलो हम लोग 3 आदमी हैं, तो देखो ट्रेन आएगी अभी आधे घंटे में, तो ब्लॉगिंग करेंगे नहीं, मोबाइल 3% बचा है और जाके तुमने सो जाएंगे, फिर तुम लोग से मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। गाइस इतने लंबे हैं कि भाई बैठना पड़ रहा है, जानते मैं कहाँ बैठा हूँ, ये सबसे ऊपर वाली सीट पर, कब से भाई 10 घंटे से इधर ही बैठा हूँ। हमारे साथ मेरा ऊपर रह गया, कैसा लग रहा है भाई, थक गया, मजा आ गया, अब तो थक गया। अभी भी एनर्जी है भाई, ऐसा नहीं है भाई, अभी चढ़ाई है, जय माता दी, अभी एनर्जी है भाई, अभी चढ़ना है पहाड़ों पर, वैष्णो देवी जाना है। लेकिन अभी सर अमनवा वगैरह सब तुम लोग को बताइए कौन है, तो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हम लोग आए हैं, फिर तुरंत नहाए आएंगे होटल में और तुरंत से निकल जाएंगे वैष्णो देवी की तरफ, फिर तुम लोग को भी दर्शन कराने वाले हैं। तो अभी भाई देखो ट्रेन में सबसे पहले सीट पर बैठे हुए हैं और तुम लोग को पीछे वाले कैमरे से दिखाते हैं, ट्रेन में भाई लोग कम हो गए, वैसे हम लोग जम्मू में उतर गए, जो लोग लोकल है वो तो उतरेंगे ना, तुमको दिखाते हैं। अगर टनल वगैरह आई है तो टनल अभी तक भाई अभी तक केवल 10वीं टनल आ चुकी है भाई, लेकिन मजा तो आ रहा है पूरा। जय माता दी, जय माता दी। कटरा स्टेशन उतरते ही जब ये व्यू देखा मैंने, तो यार एक तो एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ी गई थी और माता जी के दरबार जाने का भी बहुत इच्छा करने लगी थी। तो जल्दी से हम लोगों ने अपने बैग टांगे और चल पड़े भाई होटल की तरफ, और मैं तुम लोगों को भी कुछ दिखा देता हूँ स्टेशन वगैरह कैसा दिखता है कटरा का। सो फाइनली हम लोग वैष्णो देवी आ ही गए गाइस, क्योंकि भाई इतने इतना हम लोग ट्रेन लेट हो गए, इतना इतना भाई वेट करने के बाद फाइनली हम लोग आ गए। मेरे पीछे तुम क्राउड देख रहे हो, अभी नवरात्रि खत्म ही हुई है लेकिन भाई कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन वैष्णो देवी में यार पूरे सारे महीने भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा, और मेरे पीछे तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, और दिव्यांश तो है ही साथ में और सिद्धांत भी है ही साथ में, और भाई हम तीनों ने खूब मस्ती भी की ना ट्रेन भाई, चाहे जितना लेट हो गया ट्रेन लेकिन भाई बोरिंग नहीं लगा बिल्कुल। और भाई देखो माता रानी के दरबार आना ही था और जो लिखा हुआ था वो तो होना ही था भाई, हम लोग को पहले आया कि भाई ट्रेन इतनी लेट हो गई घर चल जाए कैब करके, लेकिन फिर हुआ कि नहीं यार अब इतना देर वेट किया है सो हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी। और बस अभी देखो हम लोग भाई लाइन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से देखो तो सब कुछ आ रहा है, बस अभी अमन उज्ज्वल भोनी लोग जितने सारे बंदे हैं सारे अभी होटल में रुके हुए, हम लोग बस अभी होटल जाएंगे, पहले कुछ खाए पिएंगे उसके बाद फिर तुम लोग से आगे मिलते हैं, फिर मौज मस्ती चलेगी भाई पूरी। और तुम लोग को पूरा ब्लॉग तुम एंड तक देखना, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी जितना भी मेरे को सब कुछ पता है वो सब कुछ मैं तुम लोग को बता दूंगा ब्लॉग में, सो आगे मिलते हैं भाई। अभी स्टेशन से एग्जिट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, और मेरे पीछे का जब तुम व्यू देखोगे ना तुम लोग भी सोचोगे कि भाई मैं भी वैष्णो देवी आ जाऊँ भाई, एक बार तो आना चाहिए। तो अभी तुम लोग को पीछे से व्यू दिखाने वाला हूँ, पहले इसमें फोकस कर लो, सो रेडी हो जाओ भाई तुम लोग व्यू देखने के लिए। अभी जा रहे हैं बस स्टैंड, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बस स्टैंड भी पैदल ही जाने वाले हैं क्योंकि भाई सब पैदल ही जा रहा है यहाँ से पीछे से, तो वैसे ही जाएंगे पैदल। देखो कुछ खाए नहीं है तो दिमाग की बत्ती चल नहीं रही है, सो पहले रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, और यात्री सिम भी लिखा हुआ है, सिम वगैरह में रिचार्ज कराने के बाद फिर चलते हैं हम लोग, और पहले तो कुछ खाए पियेंगे। इधर है, इधर इधर सो ये जो तुम लोग मेरे पीछे देख रहे हो यात्री सिम, यहाँ पे अगर तुम आओगे तो जैसे तुम जम्मू में एंटर करोगे
सो क्या है कि तुम्हारा सिम वगैरह नहीं चलेगा, तुमको यहाँ पे सिम लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिम लोगे तो तुम्हारा जब तुम माता वैष्णो देवी की चढ़ाई भी करोगे तो वहाँ पे टॉप पिक पे भी तुम्हारा नेटवर्क वगैरह आएगा, घर पे बात करने में सबसे आसानी रहेगा क्योंकि भाई घर वालों को बताना सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है यहाँ पे। तो एक सिम ले लेना, उसके बाद तुम आराम से नेट वगैरह चला सकते हो, बात वगैरह भी कर सकते हो। तो देखो हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग के दोस्त के पास पहले से सिम था तो हम लोग चंडीगढ़ से लेके आए थे, ठीक है। तो वह रिचार्ज कर लिए और घर पर सबको बता दिए और अब चल रहे हैं भाई आगे खाने पीने। और अभी अमन वगैरह भी मिलेंगे तो उन लोग से मिलते हैं। और फिर शाम में थोड़ा सा अभी देख रहे हो तुम लोग कितना धूप है, थोड़ा सा छाव हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे चढ़ाई माता वैष्णो देवी की। अभी तो भाई नहाए वगैरह भी नहीं, देखो चेहरा कैसा दिख रहा है, नहावा लेंगे उसके बाद फिर अच्छे से तैयार हो जाएंगे फिर हम लोग चढ़ाई करेंगे। हाँ कैसा फीलिंग लग रहा है, कैसा फीलिंग लग रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा है। तो कैसा फीलिंग लग रहा है आके? बहुत सही, घर पे बता के और अच्छा लग रहा है ना भाई। घर वालों को बता दिए, हाँ भाई सजेशन देंगे, एक बार जरूर आना भाई। अलग लेवल की एनर्जी लग रही है, अलग लेवल का फील आ रहा है भाई, सही बता रहे हैं। यहाँ पे उतरता ही फीलिंग है ना, अलग लेवल का। सेंटर फ्रेश ले लिए क्योंकि भाई सेंटर फ्रेश खाते हैं तो थकावट भी कम लगती है और सही भी लगता है। अब भाई देखो ब्रश भी अभी नहीं किए भाई, अभी तो ब्रश करना ही बाकी है। तो अभी यार अमन लोग का फोन आया था तो ये लोग AMR मॉल के पास है, स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर है। हाँ स्टेशन से 1 किलोमीटर है, तो बस तो अभी 1 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, फिर वो लोग वहाँ पे मिल जाएंगे, उसके बाद फिर खाना पीना नहाएंगे, उसके बाद फिर चढ़ेंगे चढ़ाई। और तुम लोग को पीछे से दिखाते हैं माता रानी का दरबार वहीं पर, वहीं से मतलब रास्ता वहीं से जाने का है, तो दिखाते तुमको पीछे से। और यहाँ पे तुमको भाई मतलब होटल वगैरह की सुविधाएं भी पूरी अच्छे से मिलेंगी, मेरे पीछे भी जैसे तो पूरा होटल है यहाँ पे देखो भाई, और हेड्स इन द क्लाउड्स। अगर भाई आना है भाई देख सामने तुम्हें तो हार जाएगा ना, हिमालय पे आ गया भाई ये। तो बस चलते हैं आगे और मिलते जुलते हैं भाई लोग से, सब जो सब सुबह 7:30-8 बजे का पहुंचे हुए हम लोग अभी पहुंच रहे ट्रेन लेट होने की वजह से, तो काफ़ी सब वेट कर रहे हैं। अभी धूप भी है तो थोड़ा सा शाम में निकलेंगे, नहावा के रेडी हो जाएंगे उसके बाद। गाइस वो देखो वहाँ से जो तुम लोग को दिख रहा है छोटा छोटा घर, जूम करके दिखाते हैं वो देखो, वही है माता रानी का दरबार। तो बस चलते हैं भाई। और मैप सिद्धांत मैप लगाया ना, दिखा मैप। 900 किलोमीटर देखो बस 13 मिनट लगेगा, 900 मीटर है और जल्दी से पहुँचते हैं। और यहाँ पे देखो सारी शॉप्स वगैरह है यहाँ पे, और भाई खाने पीने का, और सुबह शुद्ध शाकाहारी। क्या बोल रहा भाई? मैं तो भाई देखो कॉन्वर्स पहन के आया भाई। इतने टाइम से मतलब अब जाके हम लोग खाना खा रहे हैं, और तुम लोग दिखाते क्या है? पराठे और आलू पराठा लिए और साथ में छोला भी दिए, और जस्ट इसको जल्दी जल्दी इंजॉय करते हैं अपन तीनों। उसके बाद फिर अमन लोग इंतजार कर रहे हैं, तो फिर जाएंगे हम लोग, अमन लोग से मिलेंगे, उसके बाद फिर वो हम लोग का स्टार्ट वैष्णो देवी के माता जी के दरबार जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद तुम लोग से मिल जाएंगे। तो यार अभी अमन लोग से बात हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि अभी हम लोग आ रहे हैं, तब तक हम दिव्यांशु और सिद्धांत जाके जो आईडी कार्ड होता है वो ले लेते हैं, बिना उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। तो जो मेन जो द्वार है ना वहाँ से घुसने के लिए, तो पहले वहाँ से कार्ड वगैरह ले लेते हैं तो पहले से ही, उसके बाद फिर खाना पीना तुम लोग को पता खा लिया हूँ तो फिर उसके बाद चलते हैं। तो सो यार इस टाइम है हम लोग कटरा के मेन मार्केट में, और अमन लोग भी वहीं हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं कार्ड लेने। तो अभी तब अभी हम लोग को मिलने वाले हैं और कार्ड वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे भाई रूम पे जाएंगे भाई। देखो हम लोग तो थके वगैरह तुम लोगों को पता ही, ट्रेन से आए जब तक नहा नहीं लेते तब तक भाई चढ़ाई नहीं करेंगे भाई, कोई भी नहीं करेगा भाई, पहले कह दूँ सबसे। और बस अभी लेते हैं कार्ड। और सिद्धांत कितना दूर है भाई? बस यार 100 मीटर आउट है बस, अभी 100 मीटर अभी भी और है। हाँ बस 100 मीटर कहाँ है वो लोग? वो लोग भी वहीं है जहाँ पे कार्ड लिए, कार्ड का यहीं कार्ड मिलता है। हेडफोन निकाल सकते हैं दिव्यांशु आज? बिल्कुल, पूरा ट्रेन भर में 10 घंटा लगाया अभी तो निकाल रहे। सो गाइस यहाँ से लेना है हम लोग कार्ड। हाँ चल ना, चल तो रहे हैं, चल ना, दिक्कत क्या है? यहाँ से कार्ड मिलेगा आधार कार्ड दिखा के, उसके बाद लग रहा अमन लोग भी सब अंदर ही हैं। ये नोटिस बोर्ड तुम लोग पॉज करके जूम करके पढ़ लेना, और यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है लेकिन अभी लोग कम है, इस वजह से हम लोग को जल्दी आईडी कार्ड मिल गया, वरना तो लाइन लंबी लंबी लगी रहती है। So, भाई हम लोग ले लिए कार्ड, अमन लोग स्टेशन हो गया है, बाबू आ गया और अमन लोग सब मिल गए यहाँ पे। बाबू ए बाबू मिल गया, और बाकी वाले कहाँ है? वो है अभी नहीं चढ़ाई करेंगे, अभी पहले फ्रेश होंगे। चलो चलो, और डे टू बनेगा अमन के फोन से, ये तो टेबल कंप्लीट हो गया। ओए अमन कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ भाई, हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है और एक्साइटमेंट लेवल हाई है भाई, हाई है। बाबू आ गया, अभी सारे देखो सब, अभी सब वहाँ खड़े हैं, अभी अपन बस
चल रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिल गया कार्ड, कार्ड में पहुंच गए भाई। इतनी मेहनत के बाद पहुंच गए, आना था ही वैष्णो देवी तो पहुंच गए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी भाई। ये है यार कटरा का खूबसूरत सा मार्केट, जहाँ पे तुमको गेम जोन भी मिलेंगे, सारी बड़ी बड़ी शॉप भी मिलेंगी, और मेन बात है यहाँ पे सारे होटल्स भी अवेलेबल हैं, और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल मार्केट है यार, जिसको देख के आंखें भर गई थी भाई, इतना प्यारा। और इसके बाद फिर हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि भाई अभी कम से कम 700 मीटर दूर है होटल। इसके बाद फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट भी कितने प्यारे प्यारे हैं भाई, यहाँ पे खाने की कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से सब इजिली अवेलेबल। तो तुम लोगों को पता है सुमित वगैरह सब कुछ मिल गया है, और सुमित अभी होटल दिखाना था। अभी कितना दूर है होटल? और भाई 100-200 मीटर दूर है। अभी 100-200 मीटर है भाई, जब भी मैप खोल रहा है 100-200 मीटर ही मैप रह रहा है। सो अभी चलते हैं, और चलते रहो हमारे साथ, हम लोगों का साथी भी चल रहा है। ये सुमित का दोस्त, ये क्या गिरा नीचे? और तुम लोग पीछे से कटरा का मार्केट देख ही रहे हो भाई, कितना ज्यादा खूबसूरत है भाई। इसी होटल में लोग होटल वगैरह लिए थे, और अभी जा रहे हैं अंदर। कहाँ रूम? सामने ये 101 नंबर।